जमुई झाझा से वसीम अकरम की रिपोर्ट। जमुई झाझा प्रखंड अंतर्गत रजला पंचायत में आवास से वंचित लोगों विनोद यादव उर्फ फुटल कपार, जमुई जिला के झाझा प्रखंड अंतर्गत पंचायत रजला और हयातुरी टोला व रजला तुरी टोला के लगभग 70 घरों की कहानी एक ही जैसा है। एक रूम एक छत के नीचे सास पुतो है ननद गोतनी जानवरों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं तुरी टोला के लोग। इन लोगों के पास झोपड़ी बनाने लायक भी जमीन नहीं है। सरकार के द्वारा प्रावधान है कि जमीन से वंचित इन लोगों को जमीन दिया जाए ताकि झोपड़ी बनाकर भी गुजर बसर कर सके, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी सोया हुआ है। इन लोगों को सरकार के द्वारा लाभ नहीं मिल रहा है। सरकारी योजना इन लोगों से कोसों दूर है। इस संबंध में विनोद यादव उर्फ फुटल कपार जनवरी संघर्ष मोर्चा के सदस्यों के साथ पहुंचकर आंखों देखा हाल सुना। विनोद यादव फुटल कपार शासन प्रशासन से आग्रह करते हुए कहा कि जितना जल्द हो सबसे पहले इन्हें झोपड़ी बनाने के लिए जमीन दिया जाए ताकि पशु समान जिंदगी जीने से ऊपर उठ सके। तमाम लोग राशन कार्ड से वंचित है, इन्हें राशन कार्ड दिया जाए। 1993 ईस्वी में इन लोगों को एक रूम का आवास बना था जो कि जर्जर अवस्था में है। छत की दीवार गिरने से कई घटना भी घट चुका है, फिर भी जनप्रतिनिधि व शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, जिनका मैं निंदा करता हूँ। आवास मरम्मत के लिए सहयोग राशि भी इन लोगों को शीघ्र दिया जाए। बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है। झाझा अंतर्गत रजला पंचायत तुरी टोला में आज अभी हम मौजूद हैं। दुख की बात यह है कि एक ही छत और उस छत के नीचे बहू सास ससुर भैंसुर का गुजारा होता है। यानी कहने का मतलब इन तमाम परिवार तमाम तुरी टोला के लोगों के पास जमीन भी नहीं है, राशन कार्ड वगैरह भी नहीं है। यानी सरकार का कोई भी योजना इन तक नहीं पहुंचा है। यहाँ तक कि इनके पास घर नहीं है, एक ही घर है, एक ही छत है और उस छत के नीचे सास ससुर भैंसुर देवर यानी गुजारा करता। आप सोच सकते हैं बिल्कुल जानवर से भी बेहतर जिंदगी जी रहा है ये आपका रजला कला पंचायत के जो तुरी टोला के जो यहाँ के निवासी है। हम आपसे मिलाना चाह रहे हैं कुछ लोगों से यहाँ पे। चलिए, आपका नाम क्या है, नाम बताइए आपको। कुलदीप तोरी, क्या दिक्कत है आपको, जोर से बोलिए। दिक्कत सर यहाँ पर ये है कि हम लोग को जो सरकार का भवन मिला है 1993 में, वही भवन हम लोग है। और आप कितना परिवार है? हम पांच परिवार। पांच परिवार में बेटा पुतौ सब एक ही घर में रहते हैं। बेटा पुतो हमारे माँ बाप सब इसी परिवार में इसी में गुजर कर रहे हैं। मतलब एक ही में सब। हाँ, एक में ये बेटा पुतौ भैसूर देवर जो भी सब एक ही में रहता है। चलिए अब हम अगला नतीजे मिलाते हैं। ले क्या बोल भाई साहब, बोलिए क्या दिक्कत है आपको। दिक्कत है कि एक ही को घर है, उसमें बेटा पुतौ सास ससुर सब उसी में रहता है, उसी में गुजारा करता है। यानी सरकार राशन कार्ड वगैरह भी बिल्कुल हाँ। मतलब कहा जाए तो ना ही राशन कार्ड है ना ही सरकार का कोई भी योजना इन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हाँ। रहने के लिए छत नहीं, बताइए क्या दिक्कत है आपको। अब सर घर के लिए तकलीफ है, बाल बच्चा पाँच लोग तो सब रहता है एक ही घर में। अब पानी पड़ता है, पानी एकदम को साधन मतलब खारिज। चलिए और आगे आइए, कोई आगे आइए, मुंह मत छुपाइए। यहाँ बोलेंगे, यहाँ लीजिएगा जी। हाँ, बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है। मैं विनोद यादव फुटल कपार जन संघर्ष मोर्चा की ओर से अभी आपको झाझा प्रखंड अंतर्गत ये ग्राम पंचायत रजला तुरी टोला ये जो अमरपुरा औरैया में हम मौजूद है। दुख की बात यह है कि एक ही छत है और एक छत के नीचे सास ससुर भैंसुर देवर यानी कि बहू सब कोई गुजारा करता है। बहुत ही दुखद स्थिति है। यहाँ पे सरकार की कोई भी योजना जो है ये तुरी टोला रजला कला पंचायत में पहुँचता नहीं है। ये तमाम लोगों में काफी आक्रोश है। रहने के लिए जमीन नहीं, राशन कार्ड नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। आइए बताइए, आइए बोलिए क्या नाम हुआ, जोर से बोलिए। हाँ बताइए क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। घर एक ही है, उसमें भी सभी परिवार मिलके उसी में रहते हैं। कितना परिवार है? छह परिवार है। यानी छह परिवार है, छह परिवार में एक ही घर है। एक ही घर यानी एक घर, घरों मतलब पांच कोठली नहीं है, मात्र एक रूम, एक ही रूम है, एक ही रूम है। चलिए नेक्स्ट अगला आइए, कोई बोलिए जो दिक्कत है बताइए। क्या हमारा नाम भूषण कुमार थोड़े है,
हमारा घर एक ही है और उसमें सभी परिवार रहते हैं। कितना परिवार है आप? हम लोग अभी छह। देखिए बहुत दुख के साथ करना पड़ता है, एक ही घर, यानी एक ही घर में मतलब कोई उसमें रूम वगैरह नहीं, एक ही रूम है, घर ही नहीं कहा जाए, एक रूम है। एक रूम के नीचे सास पुत्र भैसूर वगैरह सारे चूल वगैरह। आप आइए बताइए क्या नाम हो, बोलिए जोर से बोलिए। हाँ क्या दिक्कत है? एक ही घर है सर, 10 परिवार है, एक ही घर में सब गुजारा करते हैं। चलिए आइए और आइए, चलिए आइए दूसरा आइए। आप तू ही रखा बोलिए। हाँ बताइए बात, आप भी बोल सकते हैं जो पहले भी बोले, कोई दिक्कत नहीं। माला देवी एक ही घर है, इसी में तीन वो परिवार पढ़ते हैं, एक ही घर में गुजारा करते हैं। दो भाई इनका, दो भाई, दो भाई, दो का कैसे? हाँ तीन भाई, तीन भाई हैं, सब गोतनी एक साथ रहते हैं। क्या कर लिया ना सास ससुर है, कोई नहीं, मालिक भी जो है पागल अगल हो गया। मतलब कहा जाए तो एक ही रूम, एक रूम में ससुर भैसूर गोतनी जो भी होता है मिला जुला सबको। आप समझ लीजिए कि जानवर से भी बेहतर जिंदगी व्यतीत कर रहा है रजला कला पंचायत के ये तुरी टला के लोग। हम शासन प्रशासन से आग्रह करेंगे कि सरकार के द्वारा जो प्रावधान है कि पॉलिथीन डिस्ट्रिक्ट के लगभग वो जमीन जो है इन लोगों को मुहैया कराया जाए, ताकि ये लोग कम से कम झोपड़ी देकर भी जीवन यापन कर सके और सरकार का जो भी योजना है वो इन तक पहुँचाने का काम करें। धन्यवाद। चलिए सर एक बार घर देख लेते हैं। रुक जाइए, यहीं रुकिए।